जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांजन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, बीएसए बीएन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला के अलावा जेजीबी बीएससी कार्यक्रम अधिकारी व डॉक्टर मुमताज खान सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बाल संरक्षण के शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसी के साथ ब्लॉकों से सूची उपलब्ध कराकर बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाने, संप्रेक्षण गृह के बच्चों के विकास के साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के बच्चों को उनसे दूर न रखा जाए तथा बाल संरक्षण के सभी योजनाओं का लाभ संबंधित को पहुंचाया जाए, जिससे उनका संपूर्ण विकास किया जा सके। और अन्य नामी प्रतिनिधियों का सबका स्वागत है। इसमें सर एक नंबर तीन में सर जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से गवर्न होने वाला सब डिटेल सर है। इसके अंतर्गत संस्थाएँ विशेष रूप से सिखाई जिला बाल संरक्षण इकाई जिसमें मैं बोल और बाल संरक्षण समिति सभी सर गवर्न होती हैं सर। दुर्भाषण पालन है सर। इसमें सर ड्यूटी हुई टेस्टिंग यूनिट की नोटिफाइड थाना की स्थापना के संबंध में सर दे रही है और चर्चा हुई थी सर। एस बी आर रिपोर्ट की सर बात करी गई किशोर नायक नियम के 2015 के आदर्श नियम 2016 की धारा 8(1) और 8(5) को पूर्ण रूप से लागू करने के संदर्भ में प्रत्येक बार जिसने कोई अपराध किया और उसके प्रस्तुत किशोर द्वारा समझ करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को भरकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने की बात थी सर। आईजी महोदय से स्तर से भी सर आया था डेटा था मुझे सर इसके बाद सर बात विवाह बैठक में भी सर जो होती है एसजीपी की सर हम लोग लगातार सचिव निदर्शन में सर फोकस कर रहे हैं सर। जो यौन शोषण से संबंधित मुद्दा पर अवेयरनेस के लिए सर तो इसमें सर जो हमारी मिशन शक्ति अभियान चला है उसमें सर इसको भी कंसिडर करते हुए सर हम लोग ग्रामीण लेवल पे सर प्रचार प्रसार किया है सर। बाल विवाह का ही रिपोर्ट बाल विवाह का सर अप्रैल के समय में सर हुआ था सर। अच्छा हाँ 2-3 सर हुए थे हम लोग रोक लिए थे सर उसको। और सर 18 उसमें बात करी थी सर तो हमारा सर ऑलरेडी सर प्रस्तावित है सर चरगांव में स्टेज पे रुका हुआ है क्यों नहीं सर वो सर जो सर आपने जो सर ऐड कराया था कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में सर तो एक बार फिर मॉनिटरिंग हुई थी सर तो फिर हमको भी यहाँ से वहाँ बताया गया तो पूछा गया तो मैं तो सर हम लोग तो अपने स्तर से कर दिया उसका सर वो शासन से ही सर पेंडिंग है वो सर बनना है तो हमें जिस हिसाब से अमाउंट था सर उन्होंने तो 7% अपना लगभग दे दिया था। इसके चिट्ठी लिखवा दो हमसे। अच्छा ठीक सर ये तो इतने लगभग 1-1.5 साल हो गया हमने जमीन देते हुए जो कहीं रुका हुआ तो इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाए काम। आपके केसेस सर लंबित थे सर पिछली बार 14 थे सर तो सर ने सर पिछले साल ने सर काफ़ी तेजी से शुरू किया है सर और इस समय सर 10 हैं और उसमें से भी सर 6 इसी वित्तीय वर्ष के सर नए केसेज हैं तो 6 दिन प्रॉपरली मतलब आए सर चूंकि इसके डिसीजंस डिस्कस नहीं किए जाते हैं वर्क डन में नहीं जाता है लीगल ओपिनियन मांगता है आदमी मतलब वो बोर्ड में बोर्ड क्यों कह रहे हैं तो आप सर काम निर्धारित नहीं होता है। ठीक है फोन आता है चला जाता हूँ। बहुत सारे मामला आपको पलट के देखेंगे श्रेणी में आएगा ही नहीं मैसेज आपका।